तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का व्लॉग चालू हो चुका है पंजाब में। आज हम जा रहे हैं सब घर वाले गुरुद्वारा दिख निवारण साहिब। ये अपने छोटे भी रहे पंजाब से, उन्हें सत श्रीकाल जी। ये ना आयुर्जी थोड़ा प्रभ की रक्षी। हाँ जी जी, अपने चैनल नाम ओ सारनपुरिया प्रिंस जीडॉन। और ये हमारी सवारी तैयारी हो चुकी है। अंकल जी नमस्ते। और ये हमारी फैमिली वाले सब बैठ के जा रहे हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। चलो 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 बाबा जी। और गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला। छोटे बड़े स्टॉल्स दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा की एंट्री के पहले। हमारे दसों गुरुओं की फोटो हैं, किरपाने, दस्तारें, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पे। ये लो पप्पू भाई तलवार की दुकान, एक से एक तलवारें। गुरुद्वारा दिख निवारण साहिब स्टार्ट होते ही ऐसी एक मार्केट है। बहुत सारी चीज़ें मैं सिर्फ जबान में बता नहीं सकता हूँ। इसे कहते हैं चोर साहब, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर इसे ऐसे घुमाया जाता है जिससे कि बंदा बैठने वाला जब बैठ के पढ़ रहा है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को तब आजू बाजू मक्खी उगती है, कोई तकलीफ होती है, मट्टी नहीं उगती। तीन बज के 12 मिनट पटियाला दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा। यहाँ रोज़ एवरीडे ये शाम में पूरे गुरुद्वारे की सरोवर साहिब से पानी लेके आजू बाजू से पूरी सफाई होती है। बाबा जी बेच रहे हैं डमरू 50 रुपये, वजन करें जो इच्छा करे आप वो दें। बहुत मानता है इस गुरुद्वारे की पूरे पंजाब में, पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। मैं भी जब हर साल आता हूँ तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर मत्था टेकता हूँ। और ऐसे जोड़े घर में जिसके जिसके शूज़ जो नंबर पे पड़े होते हैं, मेरा नंबर है। और इसे कहते हैं जोड़े घर पंजाबी में, जहाँ अच्छे से शूज़ रखे जाते हैं, फिर शाम में सफाई होती है। जैसे हमारे यहाँ गिलासों में पानी पिया जाता है, वैसे यहाँ कटोरी टाइप होता है जिसे यहाँ पंजाबी में बाटा कहते हैं। तो इसमें पानी की जो है सेवा होती है लोगों के लिए। आने जाने वाली पब्लिक, श्रद्धालु कोई भी आ सकता है, कोई भी पानी भर सकता है। बॉटल के अंदर साफ पानी है फिल्टर का, बाटे का पानी पीते हुए। सतनाम शिवाय। यह है गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस। गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पातशाह 9 पटियाला। सो हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए। हमारे सब गुरुद्वारों में जैसे एंट्री करेंगे आप तो ऐसे पैर साफ करके तो गुरु के घर में दर्शन करने अंदर आना है। सब पुराने टाइम का प्राचीन बना हुआ है। गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है अंदर, अब जा रहे हैं हम
सरोवर साहिब के पास। सरोवर साहिब बोले तो जैसे ये रुका हुआ थमा हुआ पानी है। कहते हैं कि इस दुख निवारण साहिब के सरोवर में जो भी सच्चे दिल से श्रद्धा से स्नान करता है तो उसके सारे दुख निवार लिए जाते हैं। इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम है श्री दुख निवारण साहिब। मन्नत आ गई है। ये देखो हमारे छोटे ठाकुर आ गए हैं। ओ सत श्री अकाल वीर जी। मम्मी गुरुद्वारा देखने वारन साहब क्या हो गया? क्यों रुक गया? पहले लंगर खाने जाओगे फिर उस तो बाद स्नान कराएंगे जिससे ना ठीक लगे। चलो इनको भूख लगी है पहले लंगर खाएंगे फिर स्नान करेंगे। सो प्लान कुछ ऐसा चेंज हो गया है कि संगत को पहले भूख लगी है पहले लंगर खाएंगे फिर उसके बाद सरोवर साहिब में स्नान करेंगे। रिश वीर जी सत श्री अकाल। फिर क्या कहते हैं कि काली दाल की राजमा काली दाल राजा सेठ बोल रहे हैं कि आज काली दाल होगी जो भी होगा। देखो ये बात की ना हमारे जाले साहब ने जो होगा वो स्वाद होगा मतलब टेस्टी ही होगा। गुरु का लंगर है इतना प्यार होता है सबका कि अपने आप ही चीज़ अच्छी लगनी है। गुरु का लंगर खाने के लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया। संगत इतनी है कि सिस्टमेटिक है। आते जाओ बैठते जाओ प्लेटें लेते जाओ अपनी सफाई प्लेट की करो। ये मन्नत सत श्रीकाल। ये सफाई करने वाले सेवादार हैं। जहाँ से प्लेटों में से जिसने कुछ छोड़ा होगा उसको पहले यहीं निकाल दिया जाएगा फिर उसके बाद प्लेटें जो है अंदर पीछे की तरफ जाती हैं। जो बंदा लंगर खुद खा रहा है वो अपनी प्लेट खुद चाहे तो खुद भी धो सकता है। जो खुद नहीं धो सकता तो यहाँ सेवादार हैं प्लेटों की सफाई हो के फिर प्लेटें यहाँ आती हैं वॉशिंग काम करके फिर यहाँ से सर्फ में से निकलने के बाद ऐसे सिस्टम में एक बाय एक जगह आती है जाते हुए फिर लास्ट में कैसे एकदम साफ होके क्लीन होके पूरे वो यहाँ आ जाती है। और यहाँ ऐसे ही लंगर हॉल में ऐसा ही नहीं है कि बच्चों का इंतजाम है शाम में चाय सुबह चाय। या हमारे सहारनपुर के कजन्स यहाँ बच्चों के लिए भी दूध का इंतजाम है। बड़ों ने अंदर अपना लंगर छका है दाल चावल कढ़ी और छोटे बच्चों के लिए यहाँ दूध का इंतजाम है। इन्हें इनकी नानी पिला रही है दूध। नानी अभी चली गई है अंदर। सो लंगर घर से चलते हुए लंगर खा के सरोवर साहब की तरफ। देखो लंगर खाने के बाद चाय का और पूरी सेवा है। किसी को हाजमे की भी तकलीफ है तो चूरन पाउडर इसकी फ्री सेवा है कोई भी खा सकता है आके जितनी बार चाहे उतनी बार खा सकता है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी सराउंडिंग्स हैं। Thank you.
हो रही है अभी सरोवर साहब में स्नान लेने की तैयारी, सब तैयार हो गए हैं। अच्छे सो दुख निवारण साहब में स्नान करते हुए मन्नत आजा, मन्नत पकड़ रहे हैं थले खाइए। जब तुम्हारी खड़ी हो, खड़ी हो जाए, बैठ जल्दी बैठ, बैठ जल्दी बैठ, ठंडी है, ठंड लग रही है, दर्शन देते हुए आपकी तरफ से भी मैं सरोवर में स्नान कर लेता हूँ। ऊपर वाला सबके दुख हर ले, बोले सोने हाल से। बस चल रहे हैं जोड़े घर, शूज पहनेंगे अपने अपने, फिर चलते हैं मनप्रीत की नानी के घर पे। चलो मैं मंगू मोजी, आज का व्लॉग गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पटियाला यहीं ख़त्म करते हैं अपने साले साहब के साथ। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाबा जी ने अच्छे दर्शन दिए, अच्छा लंगर खाया। आशा करता हूँ अच्छा स्नान भी किया हमने, बच्चों को भी स्नान कराया। आशा करता हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मंगू मौजी की तरफ से आपको बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।